We are very eagerly waiting to welcome 133rd Duran Cup here. Since last year's, we have started many sports again. We are building our infrastructure as much as we can. यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फिर भी हमने ये कोशिश किए थे, लेकिन दुरन आने के बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया है. लोग ने कोशिश किए, आसाम से जितना सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितना सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ काउंसिल का भी थोड़ा सा सपोर्ट या पॉलिसी है कि स्पोर्ट्स को हम लोग आगे लेके जाना है. तो इसीलिए हमने कोशिश किया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए. और आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमने कुछ ही दिनों से इंडियन आर्मी के सपोर्ट से, हमारे लोगों के सपोर्ट से एक फीफा स्टैंडर्ड, फीफा अप्रूव फुटबॉल स्टेडियम बनाने का एक काम हमारा संपूर्ण हो गया है लगभग. तो ये बहुत बड़ा काम आज हमारे बौद्धलैंड में हो गया है. इसके साथ ही 180 करोड़ का जो 2020 में हम लोग का एकॉर्ड हुआ था, उस एकॉर्ड का एक क्लोज है जहां एक एकेडमी बनाना है. हमारे ही एक जिला उदालगुरी में 120 करोड़ का एक स्पोर्ट्स एकेडमी होने जा रहा है, जो ऑलमोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की स्टेज में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. तो वो मिल जाने के बाद हमारे यहाँ एक नया एकेडमी बन जाएंगे. कुकराझार में भी निश्चित से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 110 करोड़ का एक फुटबॉल स्टेडियम बनाने का एक जो प्रपोजल है उसको अप्रूव कर दिया है. वो कुछ ही दिनों में ये भी काम कुकराझार में शुरू होगा. बोडोलैंड का एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे वीर शिलागंग, उस रिवोल्यूशनरी लीडर के नाम पे हम लोग हमारे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्टेडियम हम लोग बना रहे हैं. लास्ट ईयर 6 हमने बनाया, इस साल और 6 हम लोग बनाएंगे, 6 बनाएंगे. 5 करोड़ का एक स्टेडियम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग बना रहे हैं. इस साल हम लोग ने 2 एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. हमारे विनोद ब्रह्म रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी बोल के 2 फुटबॉल एकेडमी, एक कुकराझार में, एक अदालगुरी में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. In few years back, if you think Bodoland, running with hopeless situation, but with the approach of many institutions, many organizations from different part of the country, now a new atmosphere built in Bodoland, where different organizations, different institutions coming together to rebuild our peaceful atmosphere, rebuild our connectivity, rebuild our communication to each other, and hope and aspirations of the people are grown again. 30-40 years ka ek communal ek thinking tha, hamare bhaiyo ke beech mein ladai hue the, danga hue the, bahut sare nafrat bahut zyada ho raha tha. To ye sara nafrat ko dur karke jo pyar hai, jo hamare bhai chara hai, jo brotherhood feelings hai, isko ye Duran Cup ke through hi hum log पूरे का पूरे हम लोग खत्म करें, या इसको मतलब बदलाए कि ये ऐसा परिस्थिति बौद्धलैंड में फिर ना हो, एक अच्छा माहौल हो, एक उम्मीद का एक माहौल हो, आशा दिशा भरोसा फिर लोगों के बीच में आ रहा है, उसको आगे लेके जाने का एक अच्छा एक परिस्थिति हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ.